जंघा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध रूप से निर्मित किए जाने वाले असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ग्राम टमटा में बन रहे अवैध असलहा फैक्ट्री में निर्मित 7 तमंचा, 12 बोर का 2 जिंदा कारतूस तथा 315 बोर का 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है तथा निर्माण और सप्लाई करने वाले जंघा थाना क्षेत्र के टमटा निवासी जयप्रकाश विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय राम मुरत विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहजवान ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त काफी दिनों से अवैध रूप से असलहा बनाता था तथा आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करता था। SP नॉर्थ ने बताया कि इसका पुत्र भी अजय विश्वकर्मा भी इस वर्ष 2017 में बड़हलगंज थाना क्षेत्र में असलहा बनाते हुए पकड़ा गया था, जिसे उस समय जेल भेजा गया था। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ रोहित सिंह सहजवान ने बताया, और जो तमंचा ब्रीफ कर देंगे बनाने वाला एक व्यक्ति पकड़, और जो बने हुए हैं वो उसका जो कुछ बोल देंगे तो इतना बुलवाएंगे। जयप्रकाश विश्वकर्मा इनको दे दो सबको, देखा जाए शुरू करें। थाना जगह में एक शस्त्र बनाने की अवैध शस्त्र बनाने की जो देसी फैक्ट्री होती है उसको पकड़ा गया है, जिसमें एक व्यक्ति है, इसका नाम जयप्रकाश विश्वकर्मा है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 7 नए जो तमंचे हैं जो इसने बनाए हुए थे उसको उसका जब्त किया गया। साथ ही साथ इसमें जो उपकरण बनाने में जो सामान जो सहयोगी के रूप में होते हैं उनको भी जब्त किया गया और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें इसका जो पुत्र है वो पिछले साल भी एक बड़हलगंज थाने से वो जेल गया था अवैध शस्त्र बनाने में, तो ये काफ़ी समय से ये कार्य कर रहा था। पूर्व में भी, क्योंकि जैसा मैं आपको बताया कि इसका जो बेटा था वो पहले भी शस्त्र बनाने का काम करता था, तो वो पिछले साल जेल जा चुका था, तो पूर्व में भी इन्होंने कई जगहों पर ये इस तरह के तमंचे बनाते थे और उनको इलीगली ये बेचते थे। कहाँ पे बेचते थे? बिहार में है ये जो लोकल हैं लोग हैं, इनको सस्ते दामों पर ये तमंचे मुहैया कराते थे। अभी कितने हिसाब पर होते हैं जी? ये अकेला ही ये काम कर रहा था और इसके जो और नेटवर्क है उसको भी हम अभी पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं।